नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। अभी एक और जो ऑफिसर इंचार्ज कटरा से वो भी आ रहे हैं, तो वापस करा दो। दिनांक 27 तारीख को कतराज थाना कांड संख्या 189-2021, इसमें दो अपराधकर्मी द्वारा बम फेंका गया था और पर्चा फेंका गया था और उसके पूर्व कुछ रंगदारी की मांग की गई थी व्यापारी से। उस घटना में उसके फिर दो दिनों बाद दुग्धा बोकारो में एक घटना किया गया था जिसमें भी इसी प्रकार की जिसमें भी रंगदारी की मांग की गई थी और उसमें भी गोली चलाई गई थी। तो इस दोनों घटना क्रम का अनुसंधान करते हुए हमारी टीम बोकारो के साथ मिलकर, जिसमें एक एसआईटी बनी थी जिसमें हमारे एसडीपीओ एसआईटी को लीड कर रहे थे, प्रॉपर एसपी उसको सुपरवाइज कर रहे थे, उसी क्रम में ये तीन अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राजेश वधावन, विजय कुमार सिन्हा और पिंटू सिन्हा और विशाल कुमार, ये तीन अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राजेश वधावन और विशाल घटना में शामिल था उस दिन, जिस दिन जो टकरास वाली घटना थी, और पिंटू जो था वो बम बनाकर बम सप्लाई किया था। हम लोगों ने उनके निशानदेही पर जो मोटरसाइकिल जिसके द्वारा वो गए थे वो बरामद किया है, साथ में वो जो कपड़ा वगैरह वो भी हम लोगों ने बरामद किया है, जूता जो उनका था जो पहने हुए थे हम लोगों ने उसकी प्रॉपर आइडेंटिफाई करके उसको बरामद किया है, जो फेंके गए पर्चे थे उसी पर्चे का जो और बचा हुआ पर्चा था वो भी हम लोगों ने बरामद किया। तो इन तीनों की गिरफ्तारी भी है, लगातार हम लोग इसमें अनुसंधान जारी है, जो और लोग जो इसमें शामिल हैं जो पर्दे के पीछे हैं उनके भी कई बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। और वैसे सभी लोग जो इस ग्रुप की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे, वो सभी लोग हमारे निशाने पर हैं और जल्दी हम लोग उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद हम लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो इनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई। सर, एक व्यक्ति का नाम जो आ रहा है बार बार अपने आप को, जो अमन सिंह का भाई बता रहा है, उस तक कुछ आया क्या? देखिए, हम लोग यही बताए अभी, क्योंकि हम अनुसंधान क्या हो रहा है उसका खुलासा नहीं करेंगे, बस ये बताएंगे कि जो लोग उसमें शामिल हैं सभी लोग हमारे रडार पे हैं और सब लोगों के विरुद्ध, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, बार बार इस बात के एम्फेसिस डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, सबके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं।